हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्प शिल्पा भी द एक्सीलेंट सी मॉम। थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ ना, मालूम है मुझे, क्योंकि मुझे क्या ना कल रात से बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन हो रहा है। एक्चुअली माइग्रेन पेन में क्या होती है ना, एक साइड बहुत ज़्यादा मुझे पेन होने लगती है, आई कैंट ओपन माई आईज ऑल्सो। मतलब जब सिवियर हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा भारी भारी सा बहुत पेन होती है सर पे। तो कल रात से एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से पुणे में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मे बी वो रीज़न हो सकता है कि माइग्रेन पेन का। बट मुझे एक्चुअली माइग्रेन बहुत सालों से है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो थोड़ा टॉलरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप में से किसी के पास कोई भी होम रेमेडी हो, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेमेडीज ट्राई किए, बहुत सारे मेडिसिंस खाए, बट कोई इफेक्ट नहीं है, वो कंटिन्यू चलता ही है। तो अगर आप में से किसी के पास कोई भी होम रेमेडी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ये माइग्रेन पेन होता है ना, इट्स टोटली अनबेरेबल। बट ठीक है, अब क्या करूँ, कल रात से सुबह मॉर्निंग दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा थी, अब थोड़ा बेटर हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब थोड़ा बेटर हो तो आप सबके साथ अपना वीडियो शेयर कर दूं, और अगर आप में से किसी के पास होम रेमेडी हो तो वो भी मुझे, मतलब मैं पूछ लूं, तो कम से कम अगर किसी के पास कुछ है तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर दे, तो हो सकता है वो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो ये है अभी तक का स्टोरी। तो आज का पूरा दिन तो मेरा इसी में बीत गया। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा कुछ क्राफ्ट किया है और आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करूंगी। मैंने एक सिंपल सा क्राफ्ट है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी, वो है वुडन प्लैंक का क्राफ्ट। इस तरह के ना वुडन प्लैंक, एक्चुअली इसे तो मैंने पेंट कर दिया, बट ये जब प्लेन आता है ना तो प्लेन वुड में आता है। ये वुडन प्लैंक आपको अमेजोन में मिल जाता है, तो अमेजोन में मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है, अराउंड 180 समथिंग में आपको 10 पीस मिलता है, तो इट्स ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें हो सकता है, मतलब हमें पता है कि ये हमें लोकली मिल सकता है, बट मिलता नहीं है, तो कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी रहती है, तो मैं अमेजोन से मंगवा लेती हूँ। और इस लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस तरह के जो वुडन प्लैंक्स आते हैं उससे मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाती हूँ, जो मैं आप सबके साथ वन बाई वन शेयर करती रहूँगी। तो वैसा ही आज एक क्राफ्ट है जो हम नॉर्मली लोग के घर में देखते हैं ना, साइन बोर्ड वाला क्राफ्ट, तो वैसा ही हम कुछ एक क्राफ्ट बनाएंगे। बट ये नॉर्मल साइन बोर्ड नहीं है जिसमें गुड वाइब्स या ये सब लिखा रहता है, ये एक अलग टाइप का है, एक वॉल हैंगिंग है। होपफुली आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा, और फिर आप अपने घर में ट्राई कीजिए और मेरे को बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा मेरा ये क्राफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वुडन प्लैंक्स की ज़रूरत है। वुडन प्लैंक्स को फिर आप ऐसे, आपको जितने वुडन प्लैंक्स चाहिए, जैसे 4-5 जो भी चाहिए आप, उस हिसाब से आप अपने वुडन प्लैंक्स को अरेंज कर लीजिए और उस पर आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है वो आप बना लीजिए। जैसे मैं 3 वुडन प्लैंक्स से ये डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैंने तीनों वुडन प्लैंक्स को एक साथ में रख कर उस पर ये ड्राइंग बना लिया। देन मैं चॉक पेंट की मदद से पहले बेस को पेंट कर रही हूँ। सिर्फ डियर को मैंने पेंट नहीं किया, बाकी पूरे चारों तरफ बैकग्राउंड को पेंट कर दिया। देन मैं एक्रिलिक कलर्स की मदद से मैं इस डियर को कलर कर रही हूँ। मैंने ऑरेंज एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है अपने डियर को पेंट करने के लिए। आप चॉक पेंट की जगह एक्रिलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास येल्लो एक्रिलिक कलर था नहीं, बट येल्लो चॉक पेंट था, तो मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया। बट रिमेनिंग जो भी है उन सबको मैंने एक्रिलिक कलर से ही पेंट किया है। आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं।
ये देखिए मैं इस तरह से अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। पहले जब मैं ड्राइंग या डिज़ाइन बना रही हूँ तब मैंने सारे वुडन प्लैंक्स को एक साथ में ही रख कर डिज़ाइन बनाया। अलग अलग वुडन प्लैंक्स में अलग अलग पार्ट्स है, बट जब आप उनको एक साथ में करके आप ड्राइंग बनाओगे तो वो एक सिंगल पीस जैसा लगेगा। अब मैं डियर का आई पेंट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा आउटलाइन करूँगी। कितना सुंदर दिख रहा है ना मेरा ये क्यूट सा डियर। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्यूट लग रहा है। ये जो डिज़ाइन या ड्राइंग मैंने बनाया ये पट्टचित्र इंस्पायर्ड है। पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा स्टेट का ट्रेडिशनल आर्ट है, तो उससे ही इंस्पायर होकर मैंने ये डियर वाला पेंटिंग बनाया है। ये देखिए इस तरह। अब हमारा पेंटिंग रेडी हो गया। अब मैं ये तीनों वुडन प्लैंक्स को थोड़ा थोड़ा गैप में, आप डिसाइड कर लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी रहेगा उस गैप में आप उन्हें स्टिक करेंगे। फिर मैं एक वुडन जूट का थ्रेड लूँगी और उस पर इन वुडन प्लैंक्स को इस तरह से मैं अरेंज कर लूँगी। देन मैं हॉट ग्लू की मदद से फिर उन्हें स्टिक करूँगी। सबसे पहले सबसे नीचे वाला प्लैंक, देन उसके मिडिल वाला प्लैंक एंड देन अपर वाला प्लैंक। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्लैंक के बीच में जो गैप है सेम गैप आपको सेकेंड एंड थर्ड के बीच में भी रखना पड़ेगा, तभी वो डिज़ाइन आपको एक सिंगल पीस जैसा दिखेगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा ये साइन बोर्ड। कैसा लगा आप सबको ये वाला क्राफ्ट? अच्छा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सिंपल है, इजीली बना सकते हैं, ड्यूरेबल है और थोड़ा यूनिक भी है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आप सबके साथ ये वाला शेयर करने का, बट हो ही नहीं रहा था, तो आज चलो शेयर कर दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और अगर आप इसे ट्राई करते हो तो मेरे साथ अपना क्रिएशन भी शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। होपफुली कल मैं जब आप सबके साथ बातें करूँ तब तक मेरा माइग्रेन पेन पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो गया हो, और अभी जाके थोड़ा चाय पीती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप भी चाय पीजिए, क्राफ्ट बनाइए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।